Hello guys, welcome to this second lecture of polynomial. जैसा कि हमने last class में पढ़ा था f of x polynomial को identify करने के लिए, तो ये एक polynomial है x to the power 4 plus 2x to the power 3 ऐसा करके, तो इसका degree क्या होगी? X to the power 4, highest degree की highest power 4 है, तो इसका degree बोलेंगे 4. तो 4 degree ये polynomial है, ऐसा हम लोगों ने identify किया था last class में. अभी हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर f ऑफ x के जगह पे f ऑफ 1 बोलेंगे तो क्या होगा, x के जगह पे हर एक पॉइंट पे हर एक टर्म में x जहां-जहां आ रहा है वहां-वहां 1 पुट करेंगे. तो ये वाले के जगह पे 1 टू द पावर 4 हो गया, फिर 1 टू द पावर 3 हो गया, फिर 1 टू द पावर 2 हो गया, फिर 1 हो गया. लास्ट वाला सिर्फ x नहीं है, डायरेक्टली नंबर है, तो -1 है, तो -1 एज इट इज उतर गया. तो ऐसा कैलकुलेशन करेंगे इसको f ऑफ 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 है ना. सारा x के जगह पे 1 पुट करके जब हम कैलकुलेट किए तो वैल्यू f ऑफ 1 का, किसका वैल्यू, f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ गया, 0. मतलब कुछ भी इस नंबर को अगर 1 पुट कर रहे हैं x पे, तो ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना. तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इस ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, है ना. तो अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं. अगर 0 पुट करना रहेगा सभी जगह, f ऑफ 0 मतलब x के जगह पे सब जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, x के जगह पे अगर 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, x के जगह पे ये पुट करेंगे 0 तो ये भी 0 हो जाएगा. तो आंसर क्या बचेगा, सिर्फ -1. एक और एग्जांपल देखते हैं. f ऑफ x दिया हुआ है ये, तो ये 2 डिग्री पॉलीनोमियल है. ये पॉलीनोमियल में अगर हमको बोलेंगे f ऑफ 2 पुट कीजिए, तो f ऑफ 2 का मतलब x के जगह पे 2 पुट करना. तो हर एक जगह x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर हो गया, 5 into 2 हो गया, प्लस 8 हो गया. तो कैलकुलेट इसको करेंगे तो आंसर 2 आएगा. इसको पूरा को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा. तो f ऑफ 2 का वैल्यू 2 हुआ. अभी आगे एक और एग्जांपल देखेंगे. f ऑफ x अगर दिया हुआ है ये, है ना, तो f ऑफ -1 क्या होगा? तो हर एक जगह x के जगह पे -1 पुट करेंगे, तो x टू द पावर 4 के जगह पे -1 टू द पावर 4, 2 into x टू द पावर 3 है तो इसके जगह पे 2 into -1 टू द पावर 3. तो हर एक जगह x के जगह पे क्या पुट करना है, -1. तो हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि क्या दिया हुआ है. f ऑफ -1 बोलेंगे तो x के जगह पे हर जगह -1. ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा कुछ, तो ये वैल्यू आएगा -6. तो f ऑफ -1 का वैल्यू -6. इसको पूरा कैलकुलेशन करना होगा आपको. नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है पॉलीनोमियल में. इसमें रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोलते हैं, अगर f ऑफ x है जैसे कोई पॉलीनोमियल, उसको x - a से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर जो कोशेंट आता है वो gx आ रहा है, तो रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा f of a होगा. जैसे हम लोग पिछले केस में देखे f of 1, f of 2, तो वैसे ही f of a आएगा. ये याद रखिएगा, हमेशा remainder f of a होता है. इसमें ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यही चीज याद रखना है कि जो remainder होगा वो f of a होगा. अभी एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे 9 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 बार में जाएगा, remainder क्या बचेगा, 1, है ना. नेक्स्ट केस अगर देखते, 8 को डिवाइड करना रहेगा तो 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0. तो मतलब 8 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो रिमाइंडर 0 बचता है. इसका मतलब 2 जो है वो 8 का फैक्टर है. कोई नंबर को अगर पूरा पूरी डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर नहीं बचता है, तो क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर. तो 2 किसका फैक्टर हो गया, 8 का, है ना. ऐसे ही अगर बोलेंगे 15 को 3 से डिवाइड करना है तो ये पूरा कट जाएगा, 3 5 15, है ना, 3 5 15, 5 टाइम्स में पूरा कट जाएगा. तो क्या बोलेंगे, 3 क्या है, 15 का फैक्टर है. तो यहां पे 8 का फैक्टर क्या है, 2. लेकिन जो प्रीवियस एग्जांपल था ये 9 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो फैक्टर नहीं बच रहा है, है ना, इसमें रिमाइंडर बच रहा है. रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1. तो ये बोलेंगे कि 9 का फैक्टर नहीं है, 2 जो है वो 9 का फैक्टर नहीं है, इसमें रिमाइंडर बचता है. तो जहां पे रिमाइंडर 0 बच रहा है मतलब वो फैक्टर है, ये चीज को याद रखिएगा. अभी
इसको कंपेयर करने का कोशिश करते हैं। ये जो टर्म है एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस ए, इसका मतलब क्या हो गया, एफ ये ऐसे डिवीजन करके हम दिखाए हैं उसी केस को, एफ ऑफ एक्स को अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, आर। ये रिमाइंडर जो आर आ रहा है उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो सिंपल है, जो हम लोग याद मैथ्स बनाते आए हैं डिवीज़न का, इसमें सिर्फ नंबर के जगह पे पॉलिनोमियल रहेगा। एफ ऑफ एक्स को डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स माइनस ए से, रिमाइंडर जो बच रहा है वो आर है, और ये जो क्वेश्चेंट है, जो आंसर आ रहा है वो जी ऑफ एक्स है। बस अंतर ये है कि हम पॉलिनोमियल के टर्म में बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, नंबर नहीं है, एक पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स माइनस टू से, है ना। तो डिवीजन हम देखते हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर को, माइनस फाइव एक्स प्लस एट को एक्स माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड कैसे होता है, पहले एक्स लिखेंगे यहाँ पे आंसर में, तो एक्स एक्स द एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, हो गया ये दोनों मल्टीप्लिकेशन। पहले एक्स एक्स द, है ना, एक्स एक्स द एक्स स्क्वायर, फिर माइनस टू से माइनस टू एक्स द, माइनस टू एक्स द माइनस टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स लिख दिए यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कट गया, माइनस फाइव एक्स और माइनस टू एक्स, इसको माइनस किए तो माइनस थ्री एक्स मिला और प्लस एट उतर गया यहाँ से। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, है ना, अभी यहाँ पे लिखेंगे माइनस थ्री, माइनस थ्री अगर लिखते हैं तो माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स, है ना, फिर माइनस करेंगे माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स कट जाएगा ये, है ना, फिर एट माइनस सिक्स क्या बचेगा, टू, एट माइनस सिक्स टू बचेगा, ये कट जाएगा माइनस थ्री एक्स माइनस, तो टू क्या बचा, रिमाइंडर, ये टू जो कहलाएगा वो रिमाइंडर डिवीजन करने के बाद। अभी हमको इतना डिवाइड करके हमको आंसर क्या आया, रिमाइंडर टू, और ये कोशेंट एक्स माइनस। अभी हम बिना डिवाइड किए हम बोल सकते हैं ये फॉर्मूला लगा के, एफ ऑफ ए वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं एक लाइन में, देखेंगे कैसे। क्या बोलता है ये रिमाइंडर थ्योरम, अगर एफ ऑफ एक्स ये है, इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस टू से, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा, आर ऑफ एफ ऑफ ए, बस इतना ही याद रखना है। तो एफ ऑफ ए, अभी कंपेयर करना चालू करेंगे इसको, एफ ऑफ एक्स ये हो गया, इससे कंपेयर किए, अब इससे एक्स माइनस ए को एक्स माइनस टू से कंपेयर करेंगे, तो ए की जगह पे क्या है, टू, एक्स के जगह पे एक्स है, माइनस के जगह पे माइनस है, टू के जगह पे ए है, मतलब बोल सकते हैं ए का वैल्यू क्या है, टू, है ना। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ए का वैल्यू हमको क्या मिला, टू। तो अभी क्या पुट करेंगे रिमाइंडर के जगह पे, रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ टू हो गया, एफ ऑफ ए नहीं रहा, एफ ऑफ टू हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये वाला है। तो क्वेश्चन जब ये है तो हमको रिमाइंडर ए का जो वैल्यू होगा क्वेश्चन के हिसाब से टू हो गया, है ना। तो टू के हिसाब से देखेंगे, टू के हिसाब से एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ टू हो गया, रिमाइंडर का जो फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो आर इज इक्वल टू एफ ऑफ टू हो गया। एफ ऑफ टू के हिसाब से देखेंगे तो सब जगह टू पुट करेंगे, है ना, तो इसमें एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या पुट करेंगे, टू, फाइव टू स्क्वायर हो जाएगा, है ना, फिर फाइव इंटू टू पुट करेंगे, है ना, एक्स जो है वो टू पुट करेंगे, फिर प्लस एट, तो हमको हर जगह इस इक्वेशन में एक्स के जगह पे टू पुट कर देना है ना, क्योंकि ए का वैल्यू टू है। तो रिमाइंडर थ्योरम यही बोलता है कि अगर ए का वैल्यू जो है वो अगर एफ ऑफ एक्स में पुट कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर ही होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, टू, आंसर टू आ रहा है। तो एक लाइन में देखें यहाँ पे आंसर हमको टू मिल गया। तो हमको इतना डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं पड़ा
ये डिवीजन से बच गए, जो ये 2 आया था हमको वो इस फॉर्मूला से भी आंसर 2 ही आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा बेटर के लिए। ये देखते हैं एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स प्लस वन से। तीन केस दिया हुआ है, एक्स माइनस वन से, फिर एक्स प्लस वन से, और फिर टू एक्स माइनस वन से। तो पहले एक्स माइनस वन से डिवीज़न देखते हैं, है ना। तो पहला केस ये है, इसमें क्या बोल रहा है, ये एफ एक्स को जो ऊपर में पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसको एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो निकालना है। तो क्या करेंगे, वन को हर जगह पुट कर देंगे, ए का वैल्यू पहले देखेंगे इसमें। तो ए क्या हो गया, वन। ये ए क्या हो गया यहाँ पे, कैसे वन, एक्स माइनस ए को, एक्स माइनस ए को एक्स माइनस वन से कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पे क्या हो गया, वन। तो ए का वैल्यू वन हो गया। तो रिमाइंडर फार्मूला बोलता है कि आर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए की जगह पे एफ ऑफ वन, है ना, एफ ऑफ वन हो जाएगा। तो एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, ये पूरे टर्म में ये एफ ऑफ एक्स था, ऊपर वाला एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ वन पुट कर देंगे, है ना। देखेंगे वन पुट करके, ये एफ ऑफ एक्स में वन पुट करेंगे तो क्या आएगा, हर जगह वन पुट कर दिए तो जो वैल्यू आता है वो ज़ीरो आ रहा है, जो वैल्यू यहाँ पे आया वो ज़ीरो आ गया, है ना। मतलब बोलेंगे कि एक्स माइनस वन इसको जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, रिमाइंडर ज़ीरो बचता है। मतलब एक्स माइनस वन इसका क्या हो गया, फैक्टर। जैसा हम 8 को डिवाइड किए थे 2 से तो रिमाइंडर ज़ीरो बच रहा था, 2 4 8 हो रहा था, पूरा कट रहा था, तो हम बोल रहे थे रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, 2 फैक्टर हो गया 8 का। उसी तरह x माइनस वन को इससे डिवाइड, इसको ये ऊपर वाला एफ एक्स को x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, ज़ीरो। हम डिवाइड नहीं किए, हमको थ्योरम सिर्फ लगाए, थ्योरम क्या लगाए, आर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये थ्योरम लगा के हम रिमाइंडर का वैल्यू निकाले तो रिमाइंडर ज़ीरो आया। रिमाइंडर ज़ीरो मतलब एक्स माइनस वन इज एफ, एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि एफ ऑफ एक्स ये है, है ना। तो ऐसे करके हम बता सकते हैं कि फैक्टर है कि नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि इसको एक्स प्लस वन से डिवाइड कीजिए, किससे, एक्स प्लस वन से, इससे डिवाइड कीजिए। एफ एक्स वही है, वही एफ एक्स है, इसी एफ एक्स को, ये एफ एक्स को एक्स प्लस वन से, ये नीचे जो लिखे हैं, तो ये एफ एक्स को एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, एफ ऑफ ए पुट करें, रिमाइंडर का फॉर्मूला के हिसाब से रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए इसमें ए का पहले वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, तो पहले कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एक्स माइनस ए से। तो ये तो एक्स प्लस वन है और यहाँ एक्स माइनस ए है, डायरेक्ट प्लस माइनस अलग अलग है, तो हमको पहले एक जैसा बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, x प्लस वन को किससे, x प्लस वन ये है, इसको कंपेयर करना है x माइनस ए से, तो यहाँ पे लिख दिया ऐसा। अभी देखिए, अभी प्लस है यहाँ पे माइनस है, x x तो कंपेयर हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये प्लस है और यहाँ पे ये माइनस है तो हमको कंपेयर करने में दिक्कत होगा। तो क्या करेंगे, इसको ये जो प्लस है इस प्लस को 2 बार माइनस लिख देंगे, तो 2 बार माइनस लिख दिया उसको, प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार माइनस, एक माइनस को बाहर रहने देंगे, एक माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले लिए। अब कंपेयर करने का कोशिश करेंगे, एक्स के जगह पे एक्स है, ठीक है, माइनस के जगह पे माइनस भी मिल गया, अभी माइनस वन के जगह पे ए है, है ना, तो ए का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस वन, है ना। ऐसे कंपेयर करते हैं हम, तो इसमें क्या चेंजेस किए, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं था पहला में, इसमें माइनस नहीं था तो इसको 2 माइनस बना दिए, एक माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके चले गए ताकि कंपैरिजन कर पाएँ इसके साथ, एक्स माइनस ए के साथ कंपेयर करने में। तो इसमें क्या हो गया, एक्स के साथ एक्स कंपेयर हो गया, माइनस के साथ माइनस कंपेयर हो गया, और ए के साथ माइनस वन कंपेयर हो गया, तो ए का वैल्यू माइनस वन मिल गया। अभी ए का वैल्यू माइनस वन मिल गया तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम में आर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए क्या है, माइनस वन, तो माइनस वन पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स के जगह पे सब जगह पे एफ ऑफ माइनस वन पुट करेंगे, है ना। माइनस वन पुट किए एक्स के जगह पे, वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, वैल्यू जो आएगा वो माइनस सिक्स आएगा, है ना।
तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब प्लस केस रहेगा तो उसको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वैल्यू मिलेगा एफ ऑफ ए का। नेक्स्ट केस देखते हैं, अगर डिवीज़न दिया हुआ है, नेक्स्ट किससे डिवाइड करना है, 2x-1 से। पहले x-1 से डिवाइड किए यहाँ पे, फिर x+1 से डिवाइड किए। तीसरा केस दिया हुआ है कि इसी को, ये जो एफ एक्स है इसको 2x-1 से डिवाइड कीजिए। तो 2x-1 से डिवाइड करने के लिए 2x-1 को x-a से कंपेयर करेंगे। तो 2x-1 को x-a से कंपेयर किए यहाँ पे, तो कंपेयर करने के बाद देखेंगे क्या हो रहा है, 2x है यहाँ पे और यहाँ पे x है, तो कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, ये वाले को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, और ये 1 जो 2 से डिवाइड होगा तो 1/2 हो जाएगा। तो LHS वाले को हम 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि x बन जाइए, पूरा पूरा टर्म को 2 से डिवाइड कर दिए। तो 2 से इसको डिवाइड करने से तो क्या हो गया, x-1/2। अब कंपेयर करेंगे, x के जगह पे x है, तो a के जगह पे माइनस के जगह पे माइनस भी है, तो a का वैल्यू क्या मिला, 1/2। तो रिमाइंडर क्या हो गया, r = f(a). तो f ऑफ a का वैल्यू 1/2। f ऑफ 1/2 मतलब हर जगह 1/2 पुट करेंगे, ये वाले इक्वेशन में, ये इक्वेशन में हर जगह 1/2 पुट करेंगे और रिमाइंडर निकल जाएगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 2x+1 इज ए फैक्टर ऑफ x² + 4x + k। क्या बोल रहे हैं, 2x+1 फैक्टर है, मतलब इसका फैक्टर है, तो इसको अगर 2x+1 से अगर डिवाइड करेंगे तो फैक्टर होता है, तो रिमाइंडर क्या होता है, 0। ये चीज़ याद रखना है, अगर कोई चीज़ फैक्टर है तो रिमाइंडर 0। अभी हमको रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी पॉलिनोमियल को किसी x-a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r ऑफ f ऑफ a बचता है। अभी इसको x-a को कंपेयर करेंगे 2x+1 से। ये कॉन्सेप्ट है, इफ 2x+1 इज ए फैक्टर देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर ये 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये फैक्टर है, लिख दिया है क्वेश्चन में फैक्टर है। तो फैक्टर अगर कोई नंबर को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो रिमाइंडर एफ ऑफ ए 0 हो जाएगा। अभी कंपेयर करना चालू करेंगे किसको, 2x+1 को x-a के साथ, है ना। तो कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी देखेंगे 2x+1 है और यहाँ x-a है, तो 2x और x कंपेयर नहीं होगा, तो इस साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x+1/2 बच जाएगा, है ना। अब कंपेयर करेंगे इसके साथ, x कंपेयर हो रहा है लेकिन प्लस और यहाँ पे माइनस कंपेयर नहीं हो पाएगा। तो अभी ये प्लस को क्या करेंगे, 2 बार माइनस लिख देंगे, 2 माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, 1 माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, 1 माइनस को बाहर रहने देंगे। तो अभी कंपेयर करना चालू करेंगे, x के जगह पे x है, माइनस के जगह पे माइनस है बीच में, और a के जगह पे -1/2 है, तो a का वैल्यू क्या हो गया, -1/2, ये a का वैल्यू निकला। अभी हमको a किस में पुट करेंगे, f ऑफ a, रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a, और हमको पता है फैक्टर है, तो f ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो हम क्या होगा, f ऑफ a, f ऑफ -1/2, है ना, a क्या है, -1/2। तो हर एक x के, ये x में क्या पुट करेंगे, -1/2। तो हर जगह x स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के जगह पे -1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4x था, 4 × -1/2, एक्स के जगह पे -1/2, प्लस के, और हमको पता है कि फैक्टर है, तो ये पूरा 0 होना चाहिए, पूरा जोड़ने के बाद 0 होना चाहिए, 0 से इक्वेट कर देंगे इसको, है ना। तो क्योंकि हमको पता है फैक्टर अगर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो रिमाइंडर को 0 से इक्वेट किए ये रिमाइंडर को, तो हमको ये इक्वेशन मिला, लीनियर इक्वेशन है, k का वैल्यू निकाल लेंगे इससे, k = 7/4। हमको k दिया हुआ नहीं था, तो k निकालना था इस क्वेश्चन में, इसके जगह पे 2 रहता तो ये पूरा पूरा कट जाता, ये मतलब कोई नंबर रहता, तो यहाँ पे k का वैल्यू 7/4 है, अगर k का वैल्यू 7/4 यहाँ पे दे देते हैं,
क्वेश्चन में, तो ये 2x+1 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता। तो यहाँ पे k का वैल्यू निकालना था, किस k वैल्यू के लिए ये जो है ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। मतलब पूरा पूरा कब डिवाइड करेगा, जब वो फैक्टर है और जब रिमाइंडर उसका ज़ीरो बचता हो। तो हमको ये उल्टा कैलकुलेशन था। पहले केस में क्या था, हमको रिमाइंडर निकालना रहता था, इसमें हमको पता है कि फैक्टर है तो रिमाइंडर ही ज़ीरो दिया हुआ है। रिमाइंडर ज़ीरो दिया हुआ है तो इक्वल टू जो रिमाइंडर का फॉर्मूला है उसमें इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, उससे के का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। Don't forget to like and subscribe. Press the bell icon too.